तो हेलो, कैसे हो सब? होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं बहुत दिनों बाद अपने पुराने घर वापस आया था। मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को अपना पुराना घर दिखाऊं। सो गाइस, चलिए आज हमारा पुराना घर देखते हैं। कुछ ऐसा था हमारा पहला घर जिस पे हम रेंट पे रहते थे। तो गाइस, ये घर काफ़ी बड़ा था। मतलब इतनी ज़्यादा खेलने की जगह थी इसमें। मैं आपको और दिखाता हूँ अच्छे से। यहाँ पे तो सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, सो इधर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो गाइस, ये भी इसी घर का हिस्सा है। एंड ये एक ना गली टाइप जाती थी इधर से। इधर से हमने बहुत छुपन छुपाई काफ़ी गेम्स के लिए अपने बचपन में। तब शायद हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ इतनी क्लासेस में आते थे। एंड यहाँ पे छुपना, इतना बड़ा घर, ये गली सीधा जाकर आगे से मिलती थी। और एंड ये छत पे भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये व्लॉग छोटा ही होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं। सो गाइस, ऊपर से ये देखो, कुछ ऐसा व्यू आता था। एंड इसके ऊपर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल ये रास्ते बंद कर दिए थे अंकल ने, बिकॉज हम यहाँ पे बहुत भगदड़ मचा देते थे छत पे आकर। एंड यहाँ पे ये देखो, मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, काफ़ी ज़्यादा हमने ना भाग भाग कर ये दरेड़े कर दी थी पूरे घर में। एंड इधर से पूरे घर का व्यू मिलता है भाई। क्या बोला तूने? घर का व्यू मिलता है भाई। अबे साले, घर का बोल रहा हूँ, पूरे शहर का व्यू मिलता है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। वो देखो गाइस, इतनी सही जगह पे घर था ना। इसके पीछे मैं आपको व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, मतलब दूर दूर तक खेत ही खेत थे। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। यहाँ पे हमें ना कोई रोकने डोकने वाला था। झूठ बोल रहा। एंड खूब मस्ती की थी हमने। ये वही गली है गाइस नीचे, जहाँ से हम भाग दौड़ कर पंगे किया करते थे दिन रात। एंड ये जो है ना, ये भी नीचे से घर के साथ अटैच्ड है पुराने के लिए, लेकिन ये कभी खोला नहीं इन्होंने, हर टाइम बंद ही रहा करता था। एंड छत से नीचे का व्यू देखो। एंड ये इन्होंने छोटा सा गार्डन बनवाया था अपने काम के लिए। काम के लिए नहीं, जरा वो ग्रीनरी वगैरह के लिए गार्डन था। ये देखो गाइस, एंड इधर भी ग्रीनरी। मतलब जिनका ये घर है ना, उन्हें ग्रीनरी वगैरह से बहुत प्यार था, मतलब पेड़ वगैरह से लगाव था। एंड ये देखो भाई, घर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है भाई। इसके पीछे जो ये है ना,
ये आप पेड़ वगैरह देख रहे हो, धूप के कारण दिखाई नहीं दे रहे, वो भी इनके अपने ही थे नहीं मतलब अपने ही हैं। एंड वो जो आप देख रहे हो ना ये जगह, ये भी इनकी अपनी है। एंड यहाँ पे भाई बहुत मौज मस्ती की है, मुझे घर देख के पूरे अपने पुराने किस्से याद आ गए। चलो अब मैं थोड़ा नीचे से आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस अपने फ्रेंड्स मिल चुके हैं, इन्होंने अभी तो ये आयरन की ये लगवा रखी हैं, तब तो इन्होंने सीढ़ियाँ भी तोड़वा दी थी। मगर क्यों कि हम ऊपर पंगे करने ना जा सके। एंड ये देखो भाई यहाँ पर भी आपको ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी, मतलब ये घर ना एकदम किंगडम टाइप था हमारे लिए, पूरा दिन खेलते कूदते रहना, ना कोई टेंशन ना वगैरह। ये देखो मैं आपको पीछे से दिखाने की, अभी तो इन्होंने फिलहाल बंद कर दिया है। अगर देखा जाए तो घर भाई काफ़ी बड़ा था, एंड भाई जो इस पे खेल कूद, अब तो यहाँ पे ये देखो भाई कैमरे वगैरह लग रखे हैं, तब टाइम पे कैमरे वगैरह कुछ नहीं था, हर तरफ ये देखो फिर से ग्रीनरी। यहाँ पे वे अपने व्हीकल वगैरह रखते थे, साइकिल वगैरह, पूरे घर में भी ग्रीनरी दिखेगी आपको। ये देखो ये वही गली है जो पीछे से जाके मिलती है, देखो भाई अब तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं इस घर में। लेकिन जब हम रहा करते थे ना तो भाई बिल्कुल खुला डुला था, तब यहाँ पे गेट हुआ करता था, ये जगह अब बंद कर दी है, ये गेट बंद रहा करता था और यहाँ से गेट खुला करता था, यहाँ से भाई पंगे करते थे हम लोग। तो गाइज अपने घर एक बार पुराने घर आकर बहुत ज़्यादा भाई मज़ा आया, पूरी यादें ताज़ा हो गई। एंड पीछे गाइज व्यू देखो घर का पूरा, एंड इनसेन आ रहा है, एंड क्या ही बताऊँ क्या ही मज़े किए हैं इस घर में। किसी दिन इसी तरह आपको मैं अपने दोस्तों से भी मिलाऊँगा, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।